नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दशहरा के पावन अवसर पर उमरिया जिले के पाली में कालरी प्रबंधन परंपरा को भूल गया और अव्यवस्था के बीच रावण दहन कर इस पर्व को महज दिखावा करते हुए मना लिया, जिससे आमजन में चर्चा का विषय बन गया। कालरी प्रबंधन और दशहरा आयोजन समिति के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों, श्रमिक नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों के स्वागत कराए गए, लेकिन ना तो मंचीय कार्यक्रम में भगवान श्री राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी के पात्र को शामिल किया गया, ना ही अन्य मंचन किए गए, जिसको लेकर लोगों में खिन्नता देखी गई और दूर दराज से आए लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और आरोप लगाते हुए जोहिला क्षेत्रीय प्रबंधक की कमियां बताई। इस कार्यक्रम में आयोजन समिति ने भगवान श्री राम की जगह कालरी के अधिकारियों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन करा दिया। वहीं दशहरा पर्व पर निकलने वाले झांकियों का दशहरा चल समारोह कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया गया, जिससे दर्शकों में नाराजगी देखी गई। इस संबंध में लोगों ने आयोजन टीम को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कालरी के GM ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कहना ये मेरा है कि इतना बड़ी जन समावेश जिसके लिए इकट्ठा हुआ है, नारी शक्ति का सम्मान है, माँ दुर्गा का सम्मान है। हम लोग इस शक्ति को पूजा करते आ रहे हैं। इस भारत की धरती पर नारी शक्ति का जिस तरह का सम्मान है, ये एक प्रतीकात्मक पर्व है ये। और जो खराब चीज़ है, जो पाप चीज़ है, जो गलत चीज़ है, इसको दूर करके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी तरह देख सकते, शांति के साथ रह सकते हैं, आप अच्छा चीज़ अपना सकते हैं, और यही एक दर्शाता है। यही मेरा संदेश है, सब लोग सुख शांति के साथ रहे। धन्यवाद सर। हर वर्ष जो कि बड़ी भव्यता के साथ ही मनाया जाता था, इस बार जो है झांकियां निकाली जाती थी, हर बार इस बार नहीं निकाली गई, क्या कुछ कारण है? नहीं, मैं उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है क्यों झांकियां नहीं निकल गई है, और ये शायद बाकी लोग बता पाएंगे। यहाँ पब्लिक देख रहे हैं, ये उन्हीं झांकियों को देखने के लिए आसपास के जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते अब हैं। ये जो पूजा कमेटी के सदस्य होंगे कि बाकी लोग जो होंगे जो झांकी के लिए रहते हैं, वो ही लोग बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा इसके संदर्भ में। यहाँ पास प्रबंधन द्वारा थोड़ा कुछ मिस किया गया है, क्योंकि आज का जो पर्व है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी द्वारा असत्य पर सत्य पर विजय पाई गई थी, उस पर श्री रामचंद्र जी की झांकी होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की झांकी, माँ सीता की झांकी, लक्ष्मण जी की झांकी के साथ में एक जो रावण का दहन होता है वो होना चाहिए, जो कि आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं दिखा। मैं प्रबंधन से यह निवेदन करता हूँ कि अगली बार ऐसा एक झांकी छोटी स्वरूप में हो, भले ही हो, लेकिन छोटी स्वरूप में झांकी बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रस्तुति यहाँ पर होनी चाहिए। कमी मानते हैं प्रबंधन, कहीं पर इसमें थोड़ा चूक हुआ है, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो असत्य पर जीत है उसका प्रतीक यहाँ पर दिखना चाहिए लोगों को। दूसरा, इनके द्वारा कालरी के द्वारा झांकियाँ भी नहीं निकाली जाती, जो दूर दूर से देखने लोग आते हैं, इस बारे में क्या? बीरसिंहपुर पाली का इतिहास रहा है कि लगभग 75 साल से SSCL द्वारा झांकी के प्रदर्शन बाजार में किया जाता था, दूर दराज से लोग आते थे उसके लिए, दर्शन के लिए लोग केवल झांकी और रावण देखने ही आते थे, लेकिन SSCL द्वारा ये झांकी के प्रदर्शन बीरसिंहपुर पाली में नहीं किया जा रहा, ये दुखद है, इसको निरंतर रखना चाहिए। चूँकि जब इतना रावण दहन में कार्यक्रम होता है, एक छोटा सी झांकी की व्यवस्था भी SSCL को करनी चाहिए। जी हाँ, कमी काफ़ी सारी देखने को मिली, जैसे कि हर वर्ष कालरी प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता था, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण जी, राम जी, इनका रूपांतरण करके जुलूस भी निकलता था, जुलूस की भी कमी थी, तो उस चीज़ की कमी देखने को मिली। बहुत सारी मतलब आस्था लेकर यहाँ लोग आते हैं, शहडोल संभाग से बहुत दूर दूर से क्षेत्र से लोग आते हैं श्रद्धालु जन, और कहीं ना कहीं इसमें ये कमी देखने को मिली कि राम जी के द्वारा हर बार दहन किया जाता था रावण का, लेकिन इस बार कॉलरी के शायद अधिकारी लोगों ने, उन लोगों ने दहन किया। इससे कहीं ना कहीं हमारी मतलब जो है आस्था और हमारा जो क्या कहना चाहिए सभ्यता, उसका कहीं ना कहीं हनन सा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो प्रथा बनाए रखनी चाहिए और जो भी है प्रबंधन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा ये गलत लगा बस। कहाँ से? ग्राम पंचायत गिंजरी से हूँ। कितने वर्षों से देखने आते हैं? मैं तो हर साल से देखते आ रही, बहुत दिन हो गए देखते, कई साल से देख रही हूँ। क्या कमी देखने को मिली? यहाँ तो बहुत सारी कमियाँ मिली है, जो रामचंद्र जी आग लगाते थे तो यहाँ नेता के वजह से आग लगी है, और एक भी अच्छा नहीं लगा, जो पहले जैसे कार्यक्रम होता रहा वो कार्यक्रम अब नहीं हो रहा है। कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने? यहाँ तो पूरे उमरिया जिला से आते हैं, हर पंचायत, हर गाँव से।
क्या कमी मानते हैं? हमको बहुत सारी कमियां मिली है इसमें से। अब जो जनता आती थी ये देखेगी तो अब कहाँ आएंगी भाई। जो कमी है, रामचंद्र जी नहीं है यहाँ पे, न सीता माता है, न लक्ष्मण है, कोई नहीं, न झांकी निकली है, बहुत सारी कमियां हैं। सब ACCL वाले का काम है, जो भी जैसा करें।